दोस्तों मैं विकास कोहली यूट्यूब पे एट सेमीफाइनल का जो मैच है उसके रिगार्डिंग वो लेके आया हूँ। और इस बार भी जो सेमीफाइनल का मैच है वो है कनाडा वर्सेस इटली का। इस बार सेकंड सिंगल्स मैच और सेकंड सिंगल मैच है फेलिक्स अगरेलेस में के बीच में मैच था उनका मैच था लोरेंजो मुसेटी के साथ। शानदार प्रदर्शन हुआ मुसेटी का और फेलिक्स का, बट फेलिक्स ने क्या मैच खेला, बढ़िया मैच खेला है। पिछली बार भी उनके पास आ गया था डिपेंडेंट की भाई उन्हें जीतना जीतना है, इस बार भी आ गया। अगर वो जीते हैं तब वो प्रवेश करने के उनके चांसेस रहेंगे, क्योंकि पहला मैच उनकी टीम हार गई कनाडा डेनिस शापोवालोव। और फेलिक्स ने इस बार अपनी टीम को निराश नहीं किया, फिर से एक बार अपनी टीम को जब वो डाउन थे उन्हें अप किया और मैच जीता। दोस्तों ATP रैंकिंग नंबर 23 है उनकी भी, मुसेटी की भी अच्छी रैंकिंग और फेलिक्स की तो टॉप 10 में रैंकिंग है। बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन किया लगातार। फेलिक्स दो पिछला मैच भी जीते, इस बार भी मैच जीत गए थे, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनफैक्ट अल्ला जो डबल्स मैच हुआ था वो भी जीत गए थे, बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं फेलिक्स। खासकर डेविस कप में पहले ही परफॉर्मेंस अच्छा रही है, पिछले दो टूर्नामेंट में इतना अच्छा नहीं रहा, बट अब वापिस से लैब पकड़ ली है फेलिक्स अगरेलेस ने। दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जिन्होंने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को जाके, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना यार ताकि अपडेट्स जूम करके आपके पास पहुंच जा सके। दोस्तों अब बढ़ते हैं पहले सेट की ओर। पहले सेट में तो बहुत कमाल रहा, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन किया शुरू में, बट उसके बाद अच्छी नहीं कर पाए। 1-1 हुआ, 2-2 हुआ, फिर 3-2 हुआ, फिर फेलिक्स ने सर्विस गेम ब्रेक कर दी, 4-2 की अपनी सर्विस गेम पे होल्ड का 5-2 किया, फिर 3-5 और सर्विंग फॉर द सेट कर रहे थे, 6-3 से पहला सेट जीता। सेकंड सेट की बात करें तो सेकंड सेट भी अच्छा प्रदर्शन रहा, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, उसके बाद सर्विस गेम उन्होंने ब्रेक भी की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा था और 6-4 से US सेट जीते। विद इन 2 सेट्स में फेलिक्स ने जीता और फेलिक्स ने कोई ब्रेक पॉइंट आने भी नहीं दिया, तो देखा जाए काफी बढ़िया मैच रहा फेलिक्स के लिए। दोस्तों अगर इनके स्टैट्स की नजर डालें तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में फेलिक्स पीछे चल रहे थे, 1 out of 3 था पिछला मैच फेलिक्स जीता, हेड टू हेड रिकॉर्ड में 2 out of 2 किया, उसके बाद अब ये जीत गए 3 मैच ये जीते हैं फेलिक्स और मुसेटी 2 ही मैच जीते हैं। पहला मैच फेलिक्स जीते थे फिर 2 मुसेटी जीते, अब लगातार 2 फेलिक्स जीत चुके हैं और 3-2 से हेड टू हेड रिकॉर्ड में अच्छी बढ़त बढ़ा ली है। 8 जो मैच है वो ज़्यादा जीते हैं। अब मुसेटी चाहेंगे कि अगली बार प्रदर्शन अच्छा करें ताकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में फिर से बराबरी आ जाए। अगर मैच के स्टैट्स की नजर डालें तो एसिस मुसेटी ने 4 ली हैं, दूसरी ओर एसिस ली हैं 3-12 ऐसे लिए, डबल फॉल्ट क्यों नहीं किया ये बहुत अच्छी बात है, बट डबल फॉल्ट उन्होंने भी सिर्फ 2 ही किए तो वो इतनी चलता है। उसके बाद आ जाते हैं ब्रेक पॉइंट्स फेलिक्स ने कोई आने ही नहीं दिया, तो सेव करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, 0 out of 0 सेव है। दूसरी ओर 2 out of 4, 2 बार ब्रेक पॉइंट सेव करने में कामयाब रहे, 2 बार नहीं रहे, और 2 बार फर्स्ट सेट, 1 बार में नहीं रहे और 1 बार सेकंड सेट में नहीं रहे। अब फेलिक्स का जो मैच था वो डबल्स मैच था, डबल्स मैच भी जीत गए हैं और अपनी टीम को उन्होंने फाइनल्स में प्रवेश करवा दिया गया। दोस्तों क्या लगता है क्या होगा, हम अपनी राय दे, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, ढेर सारा प्यार हमेशा की तरह देते रहो। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।